अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्यूबरफ्यूनिया के बारे में। प्यूबरफ्यूनिया क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। प्यूबरफ्यूनिया क्या होता है, जिनकी मेल वॉइस होती है और उनकी आवाज़ लड़कियों जैसी होती है, स्पेशली यही कहा जाता है, तो उनकी आवाज़ नेचुरल आवाज़ ना होके उनकी लड़कियों जैसी आवाज़ होती है, वो उनकी जो हैं वो बड़े भी हो जाते हैं, व्यस्क भी हो जाते हैं, लेकिन आवाज़ बच्चों जैसी होती है, लड़कियों जैसी होती है। फ़ोन कॉल करने पर उनको ये लगता है कि सामने कोई लड़की बोल रही है, जबकि वो मेल होता है। ठीक है, तो उनकी आवाज़ किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से थेरेपी दे सकते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, वैसे तो प्यूबरफ्यूनिया मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें हाउ टू क्लियर वॉइस के अंदर मैंने ये चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन मैं आज कुछ एक स्पेशल एक्सरसाइज बताने जाऊंगा जिससे आपको काफ़ी आराम मिल सकता है और काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जो भी हमें इसमें काम करना होता है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको प्यूबरफ्यूनिया है भी है या नहीं, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। आप ENT डॉक्टर पर जाएँ, अपना चेकअप करवाएँ और को क्लियर करें कि आपको प्यूबरफ्यूनिया है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको स्पीच थेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं तो आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली जो काम करना होता है वोकल कॉर्ड के ऊपर, उसमें एक्सरसाइज पर काम करना होता है। तो इसमें जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, जो भी थेरेपी करनी है, वो वाइब्रेशन पे काम करना है, वाइब्रेशन के एक्सरसाइज ज़्यादातर पे ध्यान देना है। कुछ एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगा, वाइब्रेशन जैसे करनी है, आप जैसे गले पे हाथ रख के वाइब्रेशन कीजिए, ठीक है। दूसरी यही वाइब्रेशन वाली एक्सरसाइज है, थोड़ा सा और प्रेशर डालेंगे हम और पिच को अप डाउन करेंगे, कैसे, ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी। इसके बाद आपको क्या काम करना है, मसाज करना है, टू फिंगर मसाज अपर साइड, ठीक, इसमें भी वाइब्रेशन का ध्यान रखना है और लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करनी है, कैसे, ठीक है, ये भी वाइब्रेशन के साथ करनी है। साथ में इसके साथ दूसरी एक्सरसाइज है, सेम यही पोजीशन रहेगी लेकिन आ के साउंड निकालनी है, कैसे, आप मेरी इसमें साउंड नोट कीजिए कैसे कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, इस तरह से करिए। दूसरी एक्सरसाइज है थ्री फिंगर मसाज है, वन थंब एंड टू फिंगर, इसमें अप डाउन लेना है, आके साउंड निकालनी है, धीरे धीरे करना है और लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करनी है, कैसे, ये एक्सरसाइज आप दो दो मिनट कर सकते हैं या 20-20 रेप्स कर सकते हैं, ठीक है, दिन में 2-3 बार कर लीजिए, ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज को करें, वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा करेंगे आ के साउंड निकालेंगे। देखो, वैसे तो और भी काफ़ी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से गले पे और भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, गला थक जाता है और इन्फेक्शन कर लेते हो आप लोग, तो आप शुरू में ये एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे आप और एक्सरसाइज में जोड़ें, जो कि दूसरी एक्सरसाइज में वीडियो में बताई हुई है, वो बात की बात है, मैं इसी के अगला स्टेप में लाने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करके कैसे करनी है और कैसे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, इसमें ही आपको इम्प्रूवमेंट हो सकता है देखने को मिल जाए। और आपको साउंड इसमें क्या होगी, आपके डबल साउंड आएगी, यानी पहले अभी बारीक आ, फिर दूसरी जो मोटी आवाज़ साउंड है वो भी आएगी, बीच बीच में फटेगी आवाज़, हमने आवाज़ को फाड़ना है, आवाज़ फटेगी तो आवाज़ फटने से दूसरी साउंड आएगी, यानी कि भारीपन साउंड में आएगा। तो धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करोगे और इसमें स्पीच थेरेपी भी होती है, वो भी हम बताएंगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में जो आपको करना है तो प्यूबरफ्यूनिया के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और कम से कम दिन में 3 बार एक्सरसाइज को करना है। बाकी इसके अलावा आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठंडी चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे, खासतौर पे फ्रिज में जो रखी होती है बिल्कुल ठंडी चिल्ड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करोगे, गले का बड़ा ध्यान रखोगे, ऐसी चीज़ें का ही सेवन करोगे जो गले को नुकसान ना दे, ठीक है। तो इस ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताने की कोशिश करे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।